अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ायदा की दुनिया। तो गाइस, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और इसे लाइक और शेयर करें। तो मम्मा आज आपको कुछ बना कर खाने लगे, तो मम्मा से पूछते हैं क्या बनाने लगे कुछ। जी मम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। तो मोइज़ ने सही कहा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, जिन लोगों ने किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआओं में याद रखना, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मैं बनाने लगी हूँ मटरों वाला पुलाव, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं मटरों वाला पुलाव कैसे बनाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करें, आज फिर आपको दिखाते हैं मामा पुलाव कैसे बनाती है। ये मैंने ले लिए एक गिलास चावलों का, ये आधा किलो मटर है, एक पाव आलू है, एक अदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हैं, एक अदर प्याज है, अदरक लहसुन की पेस्ट में है फ्रिज में है, वो मैं ला कर दिखाती हूँ। और ये मैं ना इसमें डालती हूँ प्याज, तो अब इसमें डालूँगी ऑयल, इसमें ये मैं ज़रूरत के मुताबिक ऑयल डालती हूँ। प्याज को करना है मैंने हल्का ब्राउन, ब्राउन प्याज करके फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर प्याज सारा कुछ, इसमें जो मसाले हैं। चले मैं इसमें मसाले भी डाल लेती हूँ आप लोगों के सामने जल्दी जल्दी। अच्छा, एक चम्मच सुरख मिर्च, एक चम्मच नमक, थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला, थोड़ी सी डालूंगी काली मिर्च, ये थोड़ा सा मैं डालूंगी बिरयानी मसाला, ठीक है। तो एक चम्मच डालूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट, ये मैंने मसाले सारे डाल लिए कटोरी में। तो दो अदद लिए मैंने खीरे, दो अदद खीरे हैं, एक लूंगी टमाटर, एक अदद टमाटर लूंगी, इनको छील के कद्दूकस करके मैं इसका बनाऊंगी रायता, बड़े मज़े का, वो भी मैं रायता भी बना के दिखाती हूँ। ये प्याज हो गया ब्राउन, ये देखें, ये इतना सा वो इसकी आप ही कहती है ज़रा ज़्यादा ब्राउन करना मामा, कलर निकालना चावलों का। मुझे लाइट कलर के चावल पसंद है, बाजी को डार्क कलर के। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, ये मैंने एक गिलास चावलों का लिया, ये एक गिलास चावलों का, तो दो गिलास मैं पानी डाल दूंगी। अच्छा, अब मैं ये जो मसाले हैं ये डाल दूंगी, ये दिखाओ, ये मसाला बन जाता है ना, फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूंगी मटर, थोड़ी देर में मटर को ना भून लूंगी, यानी कि ना ये सख्त होते हैं आजकल, तो ज़रा अच्छी तरह इनकी बुनाई हो जाएगी ना, तो फिर ये आलू डाल दूंगी। अब डालूंगी मैं इसमें आलू, इनको मैं अच्छी तरह भून के फिर पानी डाल। अब ये देखें जी, माशाल्लाह कितना अच्छा बन गया ये, बड़ा ही मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, इनको मैंने अच्छी तरह पका लिया है, आलू मटर बन गए, आलू मटर सालन बन गया। अब मैं इसमें डालूंगी, ये पानी मैंने दो गिलास डाल के रख दिया, ये पानी डाल दिया, अब इसको पानी का बॉयल आ जाएगा, फिर मैं इसमें डालूंगी चावल, साथ साथ मैं बताती रहूँगी, तैयार हो जाते हैं फिर, मैं अब तैयार होते हैं फिर दिखाती हूँ, चावल ही डाल दिया मैंने। अच्छा जी, मैं ना रायता जो बनाने लगी हूँ ना, चटनी मेरी बनी पड़ी हुई है डिब्बी में, वो मैंने बनाई है ग्राइंडर में, वो मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये मैंने रखी हुई है कुंडी, इसमें मैंने ली दी हैं दो मिर्चें। अच्छा, वो चटनी ना, चटनी इतना सा मैं लूँगी धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं थोड़ी सी बनानी सिर्फ रायते के लिए ताज़ी,
जब मैं रायता बनाती हूँ ना बिरयानी के साथ, मटर वाले पुलाव, आलू वाला पुलाव, कुछ भी चने वाला पुलाव, उसके साथ मेरा रायता ये होता है। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी नमक और इस डंडे के साथ मैं इसको ना बनाऊंगी। ये देख सीधी साइड, ये देख हथियार रखा है, हथियार रखा है मैं इसके लिए, मेरे लिए। ये इसको मैं पीस लूंगी, इस कुंडी के अंदर जो चटनी होती है ना, वो जैसे वो दिखाते हैं ना बाजार में, मशहूरी आती है टीवी में, हरी हरी चटनी, बीच में वो कबाब डिप करता है, ये वैसी चटनी बनती है। और दही डालते हैं इसमें। अब मैं बना के दिखाती हूँ मोइस, जरा पीछे हो जाओ, आवाज आती है। जी गाइस, हमारे हो गए हैं चावल मटरों वाले तैयार। ये देखे आलू मटर वाला पुलाव, ये साथ मैंने बनाया है। ये देखे इसमें मैंने ना रायता बनाया है खीरे कद्दूकश करके, और टमाटर बारीक बारीक काट के, और प्याज। ये मैंने रायता बना लिया, इसका कलर देख लें कितना अच्छा है, वही कलर है ना जो हम मतलब लेते हैं। ताज़ी चटनी बनाई है, ये मटरों वाला पुलाव है, खाएं आज ही जी, जिसने खाने हैं हमारे घर तो आप भी बनाएं और खाएं। इस तरह के सिंपल सिंपल जो खाने हैं ना, बहुत मज़ा देते हैं। तो मैंने बनाया, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे फेवरेट आलू मटर का सालन और चावल में मैं ये और दाल चावल खाता हूँ। मैं आलू ना डालती इसमें, खाली मटर ही मैं डालती हूँ, गाजरें मोइज नहीं खाता, और आलू कहेगा डालो गाजरें ना डालो, इसलिए फिर मैंने बनाए हैं। कैसे लगे हैं ये देखें जी, ये अभी एक धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है मोइज? हाँ जी निकल रहा है, वीडियो के अंदर नहीं आ रहा लेकिन निकल रहा है। हाँ धुआं निकल रहा है। तो ये रायता है गरम गरम निकालना, तो चलें पिक्स बना लो, बनाना ही है।